जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, इस दुनिया में कई लोग आते हैं और इस दुनिया को अलविदा कहकर चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने टैलेंट से लोगों के दिल में जगह बनाते हैं। लोग उनको आइडल मानते हैं, लोग उनको काफी प्यार करते हैं, लेकिन जब खबर निकल के आती है कि उनका चहेता अब इस दुनिया में नहीं रहा, उनका जो चहेता कलाकार है वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया है, तो लोग शोक मनाते हैं और लोग उनके निधन पर दुख व्यक्त करते हैं और काफी जो फैंस है वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच अब एक एक्टर के निधन ने लोगों को परेशान कर दिया है और इस एक्टर को जरूर आपने कई बार टीवी में देखा होगा, कई बार आपने टीवी सीरियल में या फिर किसी फिल्म में देखा होगा। मैं जिस एक्टर की बात कर रहा हूँ उसका नाम सलीम घोष है, जिन्होंने कोयला जैसी फिल्मों में भी काम किया, सोल्जर जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन आज ये खबर निकल के आई कि सलीम घोष अब इस दुनिया में नहीं रहे। 70 वर्ष की आयु में उन्होंने हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। इस खबर को जैसे ही लोगों ने जाना, लोग परेशान हो गए, लोग हैरान हो गए, फैंस के बीच शोक की जो लहर है वो छा गई और अब हर कोई ये कह रहा है कि आखिरकार घोष का निधन ऐसे कैसे हो सकता है। वही दोस्तों, सलीम घोष की बात करें तो उनकी आवाज के लिए वो काफी पहचाने जाते थे। फिल्मों में भी उन्होंने कई बार विलन के रोल किए थे और विलन के रोल में भी वो काफी फेमस हुए और लोगों ने उन्हें प्यार दिया। लेकिन सलीम घोष के निधन ने हर किसी को परेशान कर दिया है, लोगों को हैरान कर दिया है कि उनका चहेता अब इस दुनिया में नहीं रहा। मैंने भी जब ये खबर देखी तो मैं भी अचंभित रह गया और सोचने लगा कि आखिरकार सलीम घोष के साथ ये क्या हो गया। आपको मैं बता दूं कि सलीम घोष का जो नाम है वो मैं नहीं जानता था, उनको सिर्फ पहचानता था और कई बार मैंने भी इन्हें टीवी में देखा था। और मैंने जैसे ये खबर सुनी तो मैं भी अचंभित हो गया और इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस खबर को आपको बताया जाए और आपने भी कई बार इन्हें फिल्म में या फिर किसी टीवी सीरियल में देखा होगा। बाकी दोस्तों, सलीम घोष के निधन पर आप क्या सोचते हैं? वही, क्या आपने भी कभी इन्हें फिल्मों में देखा है या फिर नहीं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने देखा है तो कौन सी फिल्म में या फिर कौन से सीरियल में उन्हें देखा है, हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी सलीम घोष के निधन पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।